गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। हियर इज योर एजुकेटर आदित्य कमलेश अवस्थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेवेंथ लेक्चर। तो कल हमने जो लेक्चर देखा था वो लास्ट जो पार्ट था वो था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे इंडोनेशिया में फूड स्टेट प्रोग्राम ने जो एवरग्रीन फॉरेस्ट थे उनको काट के वहाँ पे पाम ट्रीज लगाना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, ओरांगताओ जो था वो डिसअपियर होना चालू हो गया या इनडेंजर होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आज हमको देखना है डेसीडियस फॉरेस्ट, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाट आर डेसीडियस फॉरेस्ट? डेसीडियस फॉरेस्ट का अपना एक मीनिंग है। डेसीडियस फॉरेस्ट मीन्स ड्रॉपिंग अ पार्ट ऑफ, डेसीडियस फॉरेस्ट मीन्स ड्रॉपिंग अ पार्ट ऑफ, ऐसे पेड़ जो पतझड़ में अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसीडियस फॉरेस्ट। मतलब जो पतझड़ में अपने पत्ते छोड़ देंगे वो डेसीडियस फॉरेस्ट कहलाएंगे। अब डेसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस और एक होते हैं टेम्परेट डेसीडियस। ये अलग अलग कैसे हैं इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं हाफ अर्थ बना रहा हूँ, ये हाफ अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, और ये 5 डिग्री है। ठीक है, ये जो लाइन है ये 5 डिग्री है। अब हमने ये 5 डिग्री क्यों बनाई है, इसको जूम करके बना लेते हैं अपन। ये 5 डिग्री क्यों बनाई है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे तो हमको वो वाला रेन फॉरेस्ट मिलेगा जो कल हमने देखा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद जो ये मार्जिन वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ये जो मार्जिन वाला इलाका है, इस मार्जिन वाले इलाके में हमको देखने को मिलेगा जो जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और इसके जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिकल डेसीडियस के जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, तो जो ये वाला इलाका है हमारा, इस एरिया में हमको यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा हमारा टेम्परेट डेसीडियस। क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेट डेसीडियस। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे पास, 12 से 14 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कोपेन के हिसाब से 12 हैं, कोपेन के हिसाब से 14 हैं, ऐसे 12 हैं, वो हम देखेंगे, मैं करवा दूंगा आपको, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये जो एरिया है, तो एक जगह हमको ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब इनकी खासियत क्या होती है फॉरेस्ट की, कि यहाँ पे हमेशा जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो रिच होगी, रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाएंगे, यहाँ पे रेगुलर आग लगती रहेगी, फायर्स होती रहेंगी, और डीफॉरेस्टेशन एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, डीफॉरेस्टेशन एक बड़ा चैलेंज है। इसका एक एग्जांपल भी है इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो वुड कटिंग इंडस्ट्री है, वुड कटिंग इंडस्ट्री वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, वुड कटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मार्किंग है और मार्केट है, और उसी के कारण क्या हो रहा है, जो डेसीडियस फॉरेस्ट है वो लगातार कटते जा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है, ये आप एग्जांपल लिख सकते हो कि इंग्लैंड में वुड कटिंग इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। अब अगर आप एरिया को ध्यान से देखो तो देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, ये वाला एरिया है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, ये वाला एरिया है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। साउथ में भी देखो आप, ये एरिया है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट, ये एरिया है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं, अब इसी में अगर आप ट्रॉपिकल ढूंढने की कोशिश करोगे तो ट्रॉपिकल का मैप अलग है। अगर आप ट्रॉपिकल देखना चाहोगे तो ये देखिए, ट्रॉपिकल का मैप इसमें नहीं है, मैं आपको इसी में शो करता हूँ कि ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे। तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट आपका इंडिया में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है, ये ऊपर वाले एरिया में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है, यहाँ ऊपर वाले एरिया में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है। अगर आप अब इसको, ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये इस तरीके से, ये एक लेयर है जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है और ऊपर क्या है, टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट है। अगर आप इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे ट्रॉपिकल डेसीडियस है और ऊपर टेम्परेट डेसीडियस है। तो कुल मिला के यही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। फिर हम आ जाते हैं टेम्परेट डेसीडियस के कुछ फीचर्स पे, ये आपको नोट डाउन करने हैं। टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट जो है वहाँ पे टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर -30 होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है 30 डिग्री। मतलब मिनिमम से मैक्सिमम का रेंज क्या है, -30 से +30, मतलब 60 डिग्री का रेंज है करीब। जो गर्मियाँ होंगी वो हॉट समर्स होगा,
बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, हल्का गर्म होगा, और जो विंटर्स होंगे वो बहुत ठंडे होंगे, कोल्ड विंटर्स होंगे। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है, कम बारिश का ये एरिया होता है, ये मतलब मॉडरेट बारिश का, ज़्यादा ना बहुत कम होगी ना बहुत ज़्यादा होगी। चार सीज़न होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल सीज़न। हमको जो पढ़ना है, इनका नाम डेसिडियस फॉरेस्ट इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे फॉल सीज़न है, मतलब ठंड के समय पे ये क्या करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक अडेप्टेशन पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो अडेप्टेशन करते हैं उसमें दो चार वेराइटी थी, जैसे हाइबरनेशन था अगर आपको याद आ रहा हो तो, टॉर्पोर था, एस्टिवेशन था, ये सारे क्या थे आपके अडेप्टेशन के तरीके थे। इसी तरीके से जो हमारा प्लांट्स होते हैं वो कैसे अडॉप्ट करते हैं, जब इनको पता चलता है कि ठंड का मौसम आया है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में इनको पता चलता है कि ठंड का मौसम आ चुका है, तो इनके पास क्या नहीं होता है उस ठंड के मौसम में, सॉइल वाटर नहीं होता, सॉइल में पानी पर्याप्त नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में यदि वो बहुत ज़्यादा अपने पास लीव्स रखेंगे तो वो पेड़ मर जाएगा क्योंकि पानी बहुत कम है। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, पानी को, लीव्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं, और इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ रोज़ बारिश होती है, ठीक है। अब सॉइल जो रहेगी वो फर्टाइल रहेगी इस एरिया में, लेकिन हमने देखा था कल भी कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी सॉइल बिल्कुल फर्टाइल नहीं थी, लेकिन इस एरिया में जो सॉइल रहेगी वो फर्टाइल रहेगी, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी इस एरिया में रहेगी क्योंकि धूप पड़ रही है। देखिए खुला इलाका रहता है, धूप पड़ती है। अब इस एरिया में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो फिर से, इसके साथ इशू क्या है, चलिए मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। इस एरिया में इशू क्या है, अगर ये मैं बोल रहा हूँ ये हमारी अर्थ है, ये जीरो डिग्री है, तो जीरो डिग्री पे तो सूरज की रोशनी आती है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं तो अपने ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की, वो इलाका पड़ रहा है 40-60 डिग्री के आसपास। अब यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट नहीं आएगी, कैसी नहीं आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी, मतलब सन की जो रेज है वो कम रहेंगी, और जब सन की रेज कम रहेंगी तो इस इलाके में ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पार कम हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन अपने आप कम हो जाएगा, और जब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कम हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, जो ग्रीन कलर हमको देखने को मिलता है, किसमें ग्रीन कलर की लीव्स देखने को मिलती हैं, वो ना देखते हुए हमको क्या देखने को मिलेंगी, इस तरीके से रेड कलर की लीव्स देखने को मिलेंगी। ये लीव जो ये पैटर्न की लीफ होती है, इस लीफ को कहा जाता है मैपल ट्री, इस लीफ को कहा जाता है मैपल ट्री, ये जो लीफ है इस लीफ को कहा जाता है मैपल ट्री, और ये एक देश के झंडे में भी है, आपको बताना है किस देश के झंडे में है, ठीक है, ये एक देश के झंडे में भी है, आपको बताना है किस देश के झंडे में है। और ये जो मैपल लीफ है, ये जो मैपल लीफ है, ये मैपल लीफ क्या करती है, कलर चेंज करती है, तो कभी ऑरेंज हो जाएगी, आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप की पिक्चर्स में लगाया होगा इसको कई बार, कभी रेड हो जाएगी, तो ये कलर चेंज करती है, जो मैपल लीव है वो कलर चेंज करती है। और कलर चेंज क्यों करती है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी नहीं है, और जब सूरज की रोशनी इतनी नहीं होगी तो उस एरिया में फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कम होगा, पार कम होगा, और अगर पार कम हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कम हो जाएगा, तो जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ही धीरे होगा, और जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, टेम्परेट पढ़ लिया आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमको कहाँ मिलते हैं, मार्जिन्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया था येलो वाला, और उसकी मार्जिन पे क्या मिल रहा है हमको, दिस इज मार्जिन, मार्जिन पे क्या मिल रहा है हमको, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सेम चीज़ होगी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ भी, कि ये भी अपनी लीव्स जो है वो गिरा देगा, ये भी अपनी लीव्स गिराएगा, बस फर्क ये होगा कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव्स सर्दियों में गिराता है, और जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो अपनी लीव्स समर में गिराता है, तो शेड लीव्स इन समर सीजन। और वो कितने हफ्तों के लिए गिराता है, 6-8 हफ्तों के लिए, जिसको हमारे यहाँ पे पतझड़ बोला जाता है भारत में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मौसम में भारी वर्षा होती है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से जबलपुर में बहुत बारिश हो रही है, तो हैवी रेनफॉल होगी, और उसके बाद एकदम से सूखा पड़ेगा, फॉलोड बाय अ ड्राई सीजन, तो अगला सीजन जो आएगा वो ठंड का मौसम आएगा और वो एकदम सूखा मौसम होगा, फिर आप वैसलीन लगा लगा के अपने हाथ को मॉइस्चराइज करोगे क्योंकि ड्राइनेस इतनी हो जाएगी, फिर समर आएगी, और उसके बाद फिर रेनफॉल आएगा जो कि आपका प्रेसिपिटेशन या मॉइस्चर वाला सीजन होगा। तो एक सीजन में बहुत बारिश होती है और एक सीजन में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। रेनफॉल कितनी होगी, 70-200 सेंटीमीटर, तो आप मान के चलो एवरेज 150 रेनफॉल यहाँ भी है और एवरेज 150 टेम्परेट में भी है, ठीक है। ड्राई डेसिडियस, अब जो ये डेसिडियस फॉरेस्ट है किसके, ट्रॉपिकल के, इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो जहाँ भी कहीं 100 सेंटीमीटर से
जहाँ भी कहीं 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही हो, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही हो, उस इलाके को कर देना आप वेट डेसीडियस, और जहाँ 100 से कम हो रही हो उसको कर देना आप ड्राई डेसीडियस। ठीक है, जहाँ 100 से कम हो रही हो उसको कर देना ड्राई डेसीडियस, और जहाँ 100 से ज़्यादा बारिश हो रही हो उसको कर देना आप वेट डेसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट हमको मिलता है यूपी, बिहार और कुछ प्लेट्यू वाले एरियाज़ में। इसकी एक फेमस लीफ है तेंदूपत्ता, जो सिगरेट बीड़ी बनाने में काम आता है, वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्री हो जाता है। और ये जो डेसीडियस फॉरेस्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया की वेजिटेशन कौन सी है, तो वेजिटेशन है डेसीडियस वेजिटेशन, क्योंकि भारत में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और मॉनसून का फीचर क्या है, वो 2-3 महीने में पूरा बरस जाएगा और उसके बाद सूखा पड़ेगा, मतलब बारिश नहीं होगी। तो वही एक मौसम में भारी बारिश और उसके बाद बहुत कम बारिश, या ड्राई सीजन आएगा। जब भी कभी ऐसा होगा कि ड्राई सीजन इज़ फॉलोड बाय हैवी रेनफॉल, वो कंडीशन डेसीडियस फॉरेस्ट की होगी, और भारत में डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फिर वेट डेसीडियस फॉरेस्ट में हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे कि टीक, साल, सैंडलवुड। टीक, साल, सैंडलवुड, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ट्रीज हैं जो वेट डेसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट में होता है ये, और उड़ीसा में होता है ये, तो 2-4 जगह हैं जहाँ भारत में वेट डेसीडियस फॉरेस्ट होता है। इस बार एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा ट्री डेसीडियस नहीं है, ठीक है, नहीं कौन कौन से डेसीडियस हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 2023 में क्वेश्चन आया है, 3 ऑप्शन थे उसमें, एक था कटहल, जैक फ्रूट, एक था टीक और एक था साल। तो टीक और साल कंफर्म था कि वो डेसीडियस है, जैक फ्रूट में कंफर्म नहीं था। तो जैक फ्रूट मैं आपको बता देता हूँ, जैक फ्रूट इज एवरग्रीन फॉर एवरग्रीन ट्री, जैक फ्रूट की पत्तियाँ नहीं झड़ती, कटहल के पेड़ की पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कई जगहों पर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट के लिए लोकल नाम दिए गए हैं, जैसे कि ब्राज़ील में इसको बोला जाता है कटंगा, फिर चाको बोला जाता है पेरेगुए और अर्जेंटीना में, ब्रिग्लोस कर्व बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और डाउनवेल्ड बोला जाता है साउथ अफ्रीका में। क्या बोला जाता है? डाउनवेल्ड। तो कैसे याद करना है इसको, 3-4 बार लिखोगे या देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। काटंगा ब्राज़ील, चाको पेरेगुए एंड अर्जेंटीना, ब्रिग्लोस कर्व ऑस्ट्रेलिया, और डाउनवेल्ड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये देखिए, भारत में मैंने आपको बताया मेजर जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मेजर एरिया क्या है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट में, जो है कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट जब भी आपके सामने आता है आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्रिसमस ट्री। कॉनीफेरस फॉरेस्ट का मतलब होता है क्रिसमस ट्री। देखिए, इस टाइप के पेड़ आपने कई बार अपने घरों में देखे होंगे। कॉनीफेरस फॉरेस्ट का मतलब होता है क्रिसमस ट्री, ठीक है। अब 2-4 चीज़ें जो फैक्ट हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए, मैं चाहूँगा आप नोट डाउन भी करें, दैट इट कम्स अंडर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये किस में आता है? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। ये देखिए यहाँ पे, ये ऊपर का जो इलाका है ग्रीन कलर का, ये पूरा बेल्ट, दिस कम्स अंडर, ये पूरा बेल्ट, दिस बेल्ट कम्स अंडर कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनीफेरस फॉरेस्ट किस में आता है? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। रशिया में इसको क्या नाम दिया गया है? रशिया में इसको नाम दिया गया है टाइगा। रशिया में इसको बोला जाता है टाइगा फॉरेस्ट। तो जो रशिया वाला रीजन है, आप चाहें तो एक वर्ल्ड मैप बना सकते हैं, जो रशिया वाला इलाका है, ये रशिया वाला इलाका, इस रशिया वाले इलाके में इसको बोला जाता है टाइगा, ठीक है। और जो कनाडा वाला इलाका है, ये कनाडा वाला इलाका, इस इलाके में इसको बोला जाता है बोरियल, बोरियल फॉरेस्ट और टाइगा फॉरेस्ट। तो दो तरीके के फॉरेस्ट हैं, रशिया में बोला जाता है इसको टाइगा, कनाडा में बोला जाता है बोरियल। अंतर क्या है? जो बोरियल है, कनाडा वाला इलाका है, वहाँ पर थोड़े ज़्यादा पेड़ हैं, और रशिया में पेड़ बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम पेड़ है रशिया में, ठीक है। तो वही चीज़ हमने देखी कि कनाडा में इसको बोरियल कहते हैं, और कनाडा में हाई डेंसिटी ऑफ ट्री होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, और टाइगा में पेड़ कम होते हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को बोला जाता है पॉडजोल सॉइल। जो इस इलाके में मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है पॉडजोल सॉइल। अब कई लोगों को लग रहा होगा पॉडजोल क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉडजोल या पॉडजोलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्रिसमस ट्री है, कुछ समय के बाद क्या होगा, क्रिसमस ट्री की एक पत्ती गिर के ऐसे नीचे गिर जाएगी, टूट के ऐसे नीचे गिर जाएगी। फिर जब ये पत्ती टूट के नीचे गिर जाएगी, जैसे ये पत्ती टूट के नीचे गिरेगी, तो इसके मॉइस्चर से, इसमें जो मॉइस्चर है उससे क्या चालू हो जाएगा, लीचिंग शुरू हो जाएगी, उससे लीचिंग शुरू हो जाएगी। और लीचिंग शुरू होने से आपको पता है क्या होता है, कुछ मटेरियल जो होता है सॉइल का वो नीचे चला जाता है, कुछ मटेरियल ऊपर बच जाता है। तो ये जो सॉइल का मटेरियल आपके पास ऊपर बच गया, दिस सॉइल इज कॉल्ड पॉडजोल सॉइल। मतलब कुल मिला के जैसे लेटराइट सॉइल बन रही थी लीचिंग से, सेम लीचिंग से क्या बनती है, पॉडजोल बनती है, पॉडजोल बनता है। लेकिन पॉडजोल की खासियत यह है कि इसका मॉइस्चर रेनफॉल से नहीं आता है, प्लांट के लीव्स के थ्रू आता है, जब लीव टूट के गिर जाती है ज़मीन पर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पॉडजोल सॉइल। फिर कुछ खास बात यहाँ पे, जैसे कि जो सीरिया रेडवुड है,
कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है जिसको जाइंट सिकोशिया कहते हैं वो यहीं पे पाया जाता है। फिर रेडवुड नाम का एक पेड़ यहीं पे पाया जाता है। अब इस अगर आप रेडवुड को ध्यान से देखें इस पेड़ को, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये पेड़ जो है ये एकदम सीधे पेड़ है। देखिए दिख रहा है, एकदम सीधे पेड़ है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से एक मशीन चलानी है, यहाँ से एक मशीन चलानी है और आपका लॉग रेडी हो जाएगा। आपको इस तरीके की एक लकड़ी मिल जाएगी, इतने सीधे पेड़ होते हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री फेमस है उस वो इंडस्ट्री है लम्बरिंग। लम्बरिंग इंडस्ट्री, लम्बरिंग इंडस्ट्री मतलब वही लकड़ी काटने वाली इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्यूपेशन फेमस है, लम्बरिंग ऑक्यूपेशन फेमस है। ये क्या करते हैं, इन पेड़ों को काटते हैं और नदी में फेंक देते हैं। थोड़े दिनों बाद जब नदी बहते बहते समुद्र के किनारे पहुंचती है, वहाँ पे इन पेड़ों को इकट्ठा करते हैं और जहाज़ में चढ़ा देते हैं और वहाँ से दुनिया भर भेज देते हैं। मतलब इतने चालाक लोग हैं कि ट्रांसपोर्ट भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, क्या खासियत है इन पेड़ों की, कि इन पेड़ों में पल्प बहुत ज़्यादा है, गूदा बहुत ज़्यादा है इन पेड़ों में। तो जिन भी पेड़ में गूदा बहुत ज़्यादा होता है, उस पेड़ का इस्तेमाल हमेशा पेपर बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो न्यूज़ पल्प मतलब न्यूज़पेपर का जो पल्प इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पेपर बनाने के लिए, और मैच बॉक्स माचिस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो पेड़ होंगे उन पेड़ों में पत्तियाँ नहीं होंगी बल्कि नीडल्स होंगी, सुई होगी। कैसे, ये देखिए फोटो, ये दिख रहा होगा आपको, देर आर नो लीव्स बट ओनली नीडल्स। ये देखिए, केवल नीडल्स ही नीडल्स हैं। और नो फ्लावर्स बट कोन, कोई फ्लावर नहीं होगा लेकिन क्या होगा, कोन शेप होगा। ये देखिए, कोन शेप एंड अगेन कोन शेप। बिकॉज ऑफ दिस कोन शेप दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड कॉनीफेरस फॉरेस्ट। कॉनीफेरस मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो कोन शेप के होते हैं। ठीक है, कुछ फेमस प्रजातियाँ यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्प्रूस, फिर और पाइन। ठीक है, स्प्रूस, फिर और पाइन, ये हमको पता होना चाहिए। ये दो तीन नाम तो ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में होने ही चाहिए। कुछ एनिमल फेमस जो है यहाँ पे, उसमें से एक एनिमल है रेंडियर। रेंडियर वही एनिमल है जिसको लेके सेंटा क्लॉस चलते हैं, और एक है करीबाव। ठीक है, रेंडियर और करीबाव, इनके बारे में डिटेल्स की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं, मेडिटेरेनियन स्क्रबलैंड, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। कहाँ मिलता है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, इसको एक बार फिर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, और ये हमारी अर्थ। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है ये 5 डिग्री की लाइन है भाई। तो 5 डिग्री की लाइन तक हमको क्या मिलेगा, 5 डिग्री की लाइन तक हमको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब 5 डिग्री की लाइन के बाद हम आए ऊपर, तो ऊपर हमारी जो लाइन थी वो आई कहाँ तक, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री तक आई, नॉर्थ में या साउथ में, कैसे साउथ में उल्टा कर देंगे इसको। जब ये यहाँ पे आई तो भाई हमको पता था 23.5 डिग्री में हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज़ आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अभी हम कुछ चीज़ें और भी देखेंगे, जैसे डेजर्ट देखेंगे तो डेजर्ट यहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट यहाँ पे, सॉरी सवाना देखेंगे तो सवाना यहाँ पे मिलेगा, और जो डेजर्ट देखेंगे तो डेजर्ट यहाँ पे मिलेगा, जो रेड कलर से मैंने बनाया है। अब इसके बाद ये हमारा हो गया कौन सा, 23 के आसपास। ठीक है, अब इसको चलो 30 मान लेते हैं, ट्रॉपिकल तक ना रखते हुए सब ट्रॉपिकल को भी इसमें जोड़ लेते हैं, और इस इलाके को हम 30 डिग्री मान लेते हैं। अब क्या होता है, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का इलाका है, 30 से 45 डिग्री के बीच का इलाका है, इस इलाके में दोस्तों जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे आपको एक वेजिटेशन मिलती है। और इस वेजिटेशन की खासियत क्या है, इस क्लाइमेट की खासियत क्या है, कि इस क्लाइमेट में जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, इट इज़ इन विंटर सीज़न। ये बारिश गर्मी में नहीं होती, इट इज़ इन विंटर सीज़न, ये सर्दियों के मौसम में बारिश होती है। और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे बेल्ट खिसकते हैं। ठीक है, सन के जो बेल्ट होते हैं वो खिसकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है ज्योग्राफी ये वाली, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पे क्या होता है, सन मूव करता है, और जब सन मूव करता है तो इस इलाके में जो क्लाइमेट बनता है, उस क्लाइमेट को कहा जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखिए इस तरीके से आपको समझ में आएगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपको सब जगह इसी जगह पे मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए 30, दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री, और इसके बीच में आपके ये इलाके हैं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बाद आपका इस इलाके को देखिए, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन, ये पूरा इलाका। इधर भी आएंगे तो आप देखिए 30, 45, और उसके बीच में इलाका कौन सा है, सेंट्रल चिली वाला, वेस्टर्न केप वाला, और
ये ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 30 से 45 डिग्री के बीच का इलाका है, उस इलाके में जो फॉरेस्ट पाया जाता है बॉर्डर्स पे, वो कौन सा है? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है। हमको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे इसको स्क्रबलैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कांटे वाले छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे नींबू का पेड़ हो गया, मौसमी का पेड़ हो गया, इस टाइप के जो खट्टे फल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 30 to 45 degrees इसका लेटीट्यूड है। हाँ भाई, देख लिया। खट्टे फल पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट, विटीकल्चर होता है, ग्रेप्स, अंगूर बनाए जाते हैं। किसके लिए? वाइन के लिए। अंगूर किसके लिए बनाए जाते हैं? वाइन के लिए, इसलिए ग्रेप वाइन फेमस है यहाँ पे। इन पत्तियों की खासियत क्या है? ये पत्तियों में फ्लैश होता है, मोटी होती हैं ये पत्तियाँ, और पेड़ की जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है, और इस टाइप की वेजिटेशन को बोला जाता है, फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, इसको बोला जाता है स्क्लेरोफाइलस। मैंने पहले ही दिन बताया था आपको, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड स्क्लेरोफाइलस। याद आया, कुछ बताया था स्क्लेरोफाइलस के बारे में। देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, दिस इज स्क्रब्स, छोटे छोटे पेड़ हैं, दीज आर कॉल्ड स्क्रब्स, और ये ग्रेप्स है। अब इन ग्रेप्स को क्या करेंगे, इनको पैरों से कुचला जाएगा, जूस निकाला जाएगा, फिर जूस को सड़ाया जाएगा, उससे वाइन बन जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी को कवर भी करती हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको देख के आना है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हैं। मैं आपको कल एक ट्रिक दूंगा इसको याद करने की, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी को कवर करती हैं उसको याद करने की एक ट्रिक दूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ देख के आना है कौन कौन सी कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी को घेरती हैं। फिर हम आ जाते हैं ग्रासलैंड्स पे। मेडिटेरेनियन इतना ही था, इससे ज़्यादा मेडिटेरेनियन नहीं है। ग्रासलैंड क्या कहता है कि अंटार्कटिका को छोड़ के, एक्सेप्ट अंटार्कटिका, हर एक कॉन्टिनेंट में एक ग्रासलैंड है, हर एक कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई ग्रासलैंड है। अच्छा एक सेकेंड, ये जो नाम है ये नाम याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर रिवाइज करते रहिएगा। अलग अलग देशों में मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट को अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कैलिफोर्निया में इसको बोला जाता है चैपराल, फ्रांस में मकेस, चिली में बोला जाता है मटोरल, फिर साउथ अफ्रीका में बोला जाता है फिनबोज, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है माले। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा ये। तो हमको अलग अलग जगहों के नाम भी याद करने रहते हैं। MPPSC में भी ये पूछ लिया जाता है कि चैपराल क्या है, पेंडा एग्रीकल्चर क्या है, ये सारे क्वेश्चन MPPSC में भी रिपीटेड आते रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम ग्रासलैंड में। तो मैंने बताया अंटार्कटिका को छोड़ के वर्ल्ड के हर कोने में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। अब ग्रासलैंड जो है वो एक मॉडिफाइड बायोम है। मॉडिफाइड का मतलब है उसको एग्रीकल्चर के लिए चेंज कर दिया गया है, वो अपनी नेचुरल स्थिति में आज वो बायोम हमको देखने को नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें यहाँ समझनी है जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं कि ग्रासलैंड काम कैसे करता है। ग्रासलैंड अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पे, ये वाला जो डायग्राम था इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लू वाला इलाका है, ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है, दिस इज़ ग्रासलैंड। मतलब ग्रासलैंड किसके और किसके बीच में है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का इलाका क्या कहलाता है? ग्रासलैंड कहलाता है। मतलब एक जगह जंगल होगा और एक जगह रेगिस्तान होगा, तो बीच में घास होगी और उस घास को क्या बोलेंगे हम? ग्रासलैंड बोलेंगे। अब होता क्या है कि जो रेनफॉल होती है ग्रासलैंड में वो बहुत कम होती है। ग्रासलैंड में जो रेनफॉल का अमाउंट है वो बहुत कम है। तो एक समय ऐसा आता है ग्रासलैंड में, आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि शेर, हाथी, बकरी और हिरण वगैरह सब पानी पीने के लिए एक इलाके में आते हैं, लेकिन जब शेर आता है तो बाकी सब भाग जाते हैं। तो बहुत कम पानी होगा, वेरी लेस वाटर होगा इस इलाके में, और एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस होंगी, एकदम ही सूख जाएगा। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, लेकिन एक सीज़न ऐसा आएगा जिसमें ये जो ग्रासलैंड है वो एकदम ड्राई हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा, हरियाली दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी, और टेम्परेचर जो होगा, जो तापमान होगा, वो बहुत ज़्यादा तापमान होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्या क्या कारण है? एक, पानी कम है, दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा ड्राई है, सूखा इलाका है। तो सूखे इलाके में क्या होता है, जब भी ऐसे रगड़ पड़ती है तो आग लग जाती है। तो इस इलाके में एक चीज़ कॉमन फिनोमिना है, वो क्या है? फायर। इस इलाके में एक कॉमन फिनोमिना है और वो क्या है? फायर। तो हर गर्मी में इस इलाके में आग लग जाती है। अब बात को समझना है यहाँ पे, आग लगने से क्या होता है? अब इस इलाके में क्या है, पेड़ नहीं है ज़्यादा। मैं आपको इसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दिख रहा है सभी को? अब इसमें हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई एक पेड़ है ये वाला, और उसके आजू बाजू पूरे में क्या है? घास ही घास है। फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो एक पेड़ है, उसके आजू बाजू घास ही घास है। अब इससे क्या होता है कि ये पेड़ के बीज जो होते हैं वो घास में गिरते हैं, लेकिन जब जब आग लगती है ये सारे बीज क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए जब बीज ख़त्म हो जाएंगे तो गिने चुने जो बीज बच जाते हैं उनके गिने चुने पेड़ लगते हैं, और घास जो होती है वो बिना बीज के भी नॉर्मली अकर कर जाती है। तो घास जो है वो नॉर्मली आ जाएगी, और जैसे ही घास नॉर्मली आएगी तो पूरे एरिया में घास देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं भी हमको ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इस टाइप के जो पेड़ हैं, ये इस टाइप के जो पेड़ हैं, दीज ट्रीज़ आर कॉल्ड अम्ब्रेला ट्रीज़, दीज ट्रीज़ आर कॉल्ड
अम्ब्रेला ट्रीज, इन पेड़ों को अम्ब्रेला पेड़ कहा जाता है, अम्ब्रेला ट्रीज बोला जाता है क्योंकि शेप अम्ब्रेला जैसा है, ठीक है, शेप अम्ब्रेला जैसा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला ट्रीज बोला जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। और अम्ब्रेला ट्रीज के कारण ही क्या बोला जाता है इसको, पार्क लाइक वेजिटेशन, ये पार्क की तरह वेजिटेशन दिखती है जिसमें कुछ कुछ पेड़ हैं और बहुत सारी घास है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पार्क लाइक वेजिटेशन। अलग अलग कीड़े आने लग गए हैं जब से अभी बारिश शुरू हुई है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड अब हम देखते हैं, ग्रासलैंड देखे हमने, अब ग्रासलैंड भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको हम सवाना भी बोला जाता है, सवाना कहते हैं जिसको, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना, और एक होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे स्टेपीज, पहले हम सवाना देखते हैं। बारिश कितनी है, 76 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितनी हो रही थी, हमारे जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट था वेट वाला, वहाँ पर बारिश हो रही थी अप टू 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर तक बारिश थी। कहाँ पे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, TDF में 200 सेंटीमीटर बारिश थी। अब बारिश कम हो गई है, टेम्परेचर जो होगा वो 21 से 26 डिग्री होगा, और सॉइल जो होगी वो थिन और पोरस होगी। सॉइल वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम अलग अलग ज़रूर हैं, जैसे ब्राज़ील में इसको बोला जाता है कैम्पोस, और ये मैच द कॉलम में आता है, ये मैच द कॉलम में आता है कि ब्राज़ील में इसका नाम है कैम्पोस, और वेनेजुएला में इसको बोला जाता है क्या, लानूस, ठीक है, ब्राज़ील में क्या बोला जाता है, कैम्पोस, और वेनेजुएला में बोला जाता है लानूस। अगर कभी ऐसे याद ना हो तो ऐसे बस याद कर लेना, ABC, बी के बाद हमेशा सी आएगा, तो ब्राज़ील फॉर कैम्पोस, और लानूस फिर बचा ही लानूस तो वेनेजुएला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग एरिया देखने को, अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे जिराफ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। जिराफ क्यों देखने को मिलता है इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम इकोटोन और एज इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि जिराफ जैसी स्पीशीज़ यहाँ पे क्यों आती है। अब इस इलाके में हमको दुनिया के सबसे बड़े मैमल जैसे हाथी, जैसे कि जिराफ, सबसे बड़े मैमल्स, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे, और सबसे बड़े मैमल जैसे हाथी, दोनों ही देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है, शेर भी है यहाँ पे, चीता भी है, तो इनको मार के, और इनको मार के विदेशी मार्केटों में बेचा जाता है, तो इन लोग क्या करते हैं, ये बड़ा खेल कर रहे हैं, इसीलिए इस इलाके को बोला जाता है बिग गेम कंट्री, इस इलाके को बोला जाता है बिग गेम कंट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, हाथी के दांत की तस्करी होती है, शेर की खाल की तस्करी होती है, बहुत सारे जानवर यहाँ से वहाँ भेजे जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बिग गेम कंट्री। यहाँ पे जो जानवर है एलिफेंट, ये क्या करता है, अकीशिया के पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, अकीशिया के पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो पार्क लाइक वेजिटेशन है जिसमें बहुत सारी घास और कुछ पेड़ हैं वो बचे रह जाते हैं, और इसीलिए अगर आप ये फोटो देख सकते हो, सी ये अकीशिया के पेड़ को निकाल के फेंक देगा, अब जैसे ये इस पेड़ को निकाल के फेंकेगा तो बाकी बचा क्या, वहाँ पे घास बस बच गई, और इसीलिए ये क्या बना रहता है, पार्क लाइक वेजिटेशन या सवाना बना रहता है। ये मैंने ऊपर आपको बताया, यहाँ पे आग लगती है तो पेड़ के बीज जल जाते हैं। क्वेश्चन यही आया था कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है जो सवाना ग्रासलैंड को बना रहा है, तो सवाना ग्रासलैंड को कौन बना रहा है, फायर और वाटर, वाटर कम है और फायर लग, आग लग जाती है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सवाना बन रहा है, ठीक। तो एलिफेंट का यहाँ पे क्या काम है, एलिफेंट क्या कर रहा है, बायोम को मेंटेन करके रखा है इसने। तो मैंने आपको बताया था ऐसी स्पीशीज़ जो किसी इकोसिस्टम या बायोम को मेंटेन करके रखती हैं, सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड कीस्टोन स्पीशीज़। तो एलिफेंट इस एरिया में क्या है, एक कीस्टोन स्पीशीज़ है। अब हम आ जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो अलग अलग इलाकों में मिलता है, जैसे देखिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला इलाका, दिस इज़ नॉट टेम्परेट ग्रासलैंड, दिस इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। लेकिन आप जैसे ही नीचे आओगे थोड़ा थोड़ा, जैसे ये देखिए आपको नॉर्थ अमेरिका में ये एरिया जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रेरीज, प्रेरीज इज टेम्परेट ग्रासलैंड। ये ऊपर चले गए हम, दिस इज स्टेपीज, दिस इज अगेन टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वेल्ड, इस इलाके में हमको देखने को मिलता है वेल्ड, तो वेल्ड वाला भी किस में आ जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलिया में हम आएंगे तो हमको यहाँ पे देखने को, ये पेम्पास नहीं है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है डाउन्स, तो डाउन्स आर ऑल्सो वॉट टेम्परेट ग्रासलैंड। अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे जाना जाता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ होंगे, ट्रॉपिक्स के ऊपर वाले इलाके में, ठीक है। बाकी टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में एक चीज़ आप और जान लीजिए, ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि इन इलाकों में क्या किया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में पूरा जो ग्रासलैंड है उसको साफ किया गया है, और यहाँ पे गेहूं उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है, राइस नहीं, गेहूं और मक्का उगाया जाता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूशन, जो प्रोडक्शन है वो इसी इलाके से होता है। इसीलिए अभी जब रशिया यूक्रेन में लड़ाई हुई, तो इस इलाके में लड़ाई होने के कारण वर्ल्ड का वीट प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया, वीट जो वो था आपके पास सप्लाई था वो कम हो गया।
ठीक है। अब हम आ जाते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम पे, ठीक है। डेजर्ट मैंने आपको बताया कहाँ मिलते हैं, जो अपन ने ऊपर डायग्राम देखा था उसमें मैंने बताया था कि आपको एक कोने में मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर दूसरे जगह बाजू में मिलेगा आपको सवाना, और फिर आपको मिलेगा क्या यहाँ पे डेजर्ट। तो जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलते हैं डेजर्ट। तो हमारे पास कुछ फेमस डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है वार्म डेजर्ट। डेजर्ट जैसा हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि डेजर्ट मतलब रेत होगी पूरी जगह पे, दैट इज़ नॉट डेजर्ट। डेजर्ट को हमेशा प्रोडक्टिविटी के नाम पे देखा जाता है। ऐसा इलाका जहाँ पे खेती नहीं करी जा सकती, जहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उस इलाके को बोला जाता है डेजर्ट, ठीक है। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका इलाका डेजर्ट कहलाता है। बहुत सारे डेजर्ट हैं हमारे पास, जैसे कि ये पूरा जो इलाका है, दिस इज़ वर्ल्ड फेमस सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का इलाका है। इंडिया के पास अपना खुद का थार डेजर्ट है। यहाँ आप ऊपर जाएंगे 9 नंबर पे, आप ये पूरा मैप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। 9 नंबर पे जाएंगे तो आपको गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप इधर पे आएंगे कैलिफोर्निया में, तो कैलिफोर्निया डेजर्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी बोलते हैं, मोजावे डेजर्ट भी बोला जाता है। तो अलग अलग डेजर्ट हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। हमको कुछ डेजर्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैप में कौन सा डेजर्ट किस एरिया में आता है, ठीक है, कौन सा डेजर्ट किस एरिया में आता है, इस चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए मैप में। डेजर्ट की खासियत क्या है, यहाँ पे कैक्टस मिलते हैं, और इस वेजिटेशन को क्या बोला जाता है, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कई बार, सो क्या बोला जाता है, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। ये वार्म डेजर्ट है और ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लद्दाख, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास लद्दाख। तो लद्दाख में हमको देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट जो होते हैं वो तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर रेत वाला डेजर्ट है तो उसको बोला जाएगा अर्ग, अगर इस तरीके का छोटे छोटे पत्थरों वाला डेजर्ट है तो उसको बोला जाएगा रेग, और अगर पूरा ऐसा डेजर्ट है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इस तरीके से, तो उसको बोला जाएगा हमाडा, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं आपको, अगर रेत है तो उसको बोला जाएगा अर्ग, ठीक है, अर्ग रेत, अर्ग रेत, अर्ग रेत, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। फिर जहाँ पे छोटे मोटे कंकड़ मिलेंगे उसको बोला जाएगा रेग्स, और लास्ट आएगा जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी उसको बोला जाएगा हमाडा, ठीक है। डेजर्ट के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट, ये देखिए डेजर्ट के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या है ये डेजर्ट, ज़ेरोफाइट जहाँ पे ड्राई वेजिटेशन मिलती है, वार्म डेजर्ट, और एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। इनकी खासियत ये होती है, इनके पास फ्लैशी स्टेम होता है। मैंने आपको ऊपर मेडिटेरेनियन बताया था, मेडिटेरेनियन में फ्लैशी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ मोटी और गूदे वाली होती हैं, यहाँ पे फ्लैशी स्टेम होता है। आपने एलोवेरा तोड़ा होगा, हमेशा एलोवेरा आप तोड़ते हो तो अंदर से जेल निकलता है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फ्लैशी स्टेम, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स होंगे यहाँ पे, जैसे आपको बहुत डेजर्ट फॉक्स देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स बहुत देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे सांप मिलेंगे, ऐसे ऐसे बिच्छू मिलेंगे जो दुनिया के सबसे जहरीले में से एक है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जीने का एक तरीका होता है, क्योंकि डेजर्ट में कुछ है नहीं खास, तो पता चला लोग सांप को पकड़ के खाने लग गए, जो मैन वर्सेस वाइल्ड में होता है। तो ऐसे में सांप अपने अंदर जहर डेवलप करता है ताकि उसको कोई खा ना सके, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं वो वहाँ पे सेंसिटिव वेजिटेशन होती है, मतलब बहुत ही छोई मुई टाइप की वेजिटेशन होती है, अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज होगा तो वहाँ की वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, और लगभग जीरो वेजिटेशन होती है कोल्ड डेजर्ट में। अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, किसके बेसिस पे, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो है सहारा डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट के बारे में इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं। अब हम आ जाते हैं टुंड्रा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, टुंड्रा फॉरेस्ट। क्या होता है टुंड्रा, टुंड्रा होता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली फ्रोजन, जो इलाका परमानेंट बर्फ के अंदर रहेगा उस इलाके को कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, वो उस इलाके को कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट रीजन। अब यहाँ पे जो बारिश होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, क्योंकि ये इलाका कहाँ पड़ता है, अगर आप ध्यान से देखो मैप में, तो ये इलाका एकदम टॉप पे पड़ता है, एकदम जो सबसे ऊंचा वाला इलाका है वहाँ पे ये वेजिटेशन हमको पाई जाती है, ये इस इलाके में हमको वेजिटेशन देखने को मिलती है। अगर आपको याद हो, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये इलाके में आपको टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है, इससे थोड़ा सा नीचे जब हम गए थे इस वाले इलाके में, जब हम ऊपर अभी पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो इलाका है यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, कॉनीफेरस वेजिटेशन, जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में है, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, आप इस वाले इलाके में आओगे तो आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलती है, ये हरे वाले इलाके में मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलती है इस इलाके में। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इस वाले इलाके में आओगे आप, जैसे ये पूरा इंडिया हो गया अपना, थोड़ा सा ऊपर का अफ्रीका हो गया,
थोड़ा सा ये वाला इलाका हो गया, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर हमको हमने देखा डेजर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आपने मेरे साथ साथ अच्छे से ये देखा हो तो हमने देखा डेजर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ डेजर्ट देखने मिलेगा, यहाँ डेजर्ट देखने मिलेगा, यहाँ डेजर्ट थोड़ा सा देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी डेजर्ट देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया के ऊपर वाले इलाके में, तो दो चार जगह हमको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला इलाका है मतलब सबसे ठंडा इलाका है जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर पहुँच रही है, और क्योंकि सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँच रही है इसीलिए ये इलाका कैसा रहता है, परमा फ्रॉस्ट इलाका रहता है। ये जो लोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जो लोग रहते हैं जो ऐसा इग्लू बना के रहते हैं, ये कि आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा इग्लू बर्फ़ का घर, इन लोगों को क्या कहा जाता है, दीज पीपल आर कॉल्ड एस्किमोज, दीज पीपल आर कॉल्ड एस्किमोज। तो ऐसे लोग जो इग्लू में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, एस्किमोज बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कम होती है और ये 10% ऑफ अर्थ का इलाका है, मतलब अंटार्कटिका में भी है और ऊपर आर्कटिक सर्कल में भी है। तो अगर हम अर्थ बनाते हैं तो अर्थ के दोनों तरफ आपको ऊपर वाले इलाके में भी और नीचे वाले इलाके में भी क्या देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन देखने को मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ऑब्वियस ही बात है, ना सूरज की रोशनी है ना पानी है, तो क्या होगा, ग्रोइंग सीजन हमेशा कम होगा। ठीक है, आर्कटिक में 50-60 दिन का रहता है, अल्पाइन क्या होता है, थोड़ा वेट कीजिए मैं बताऊंगा। फ्रेजाइल वेजिटेशन मतलब बहुत सेंसिटिव वेजिटेशन, थोड़ा सा भी हाथ लगाओगे तो बारिश के कारण बहुत सारे कीड़े आ गए हैं और पता भी नहीं है कौन से जहरीले कीड़े हैं ये। ओके, फ्रेजाइल वेजिटेशन, ठीक है, अब सेंसिटिव या फ्रेजाइल वेजिटेशन है जो बहुत जल्दी मतलब अगर आप उसका टेम्परेचर इधर उधर होगा ना तो वेजिटेशन सड़ने लग जाती है, इस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये जो इलाका है जो मैंने आपको ऊपर बताया आर्कटिक टुंड्रा वाला इलाका, बाकी सब मिटा देते हैं अभी, ये जो इलाका है आर्कटिक टुंड्रा वाला इलाका, ऊपर वाला जो इलाका है, दिस रीजन इज कॉल्ड एपी सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। एपी सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आर्कटिक वाला इलाका है ना आपका, आर्कटिक सर्कल वाला इलाका है, असल में ये इलाका सिर्फ बर्फ़ है। अंटार्कटिका में क्या है, नीचे ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जम गई है, लेकिन आर्कटिक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही है, ज़मीन नहीं है वहाँ पे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, ये जो आर्कटिक की बर्फ़ है ये धीरे धीरे पिघल रही है। अब पिघल रही है और वो तो दिक्कत है ही है, लेकिन और बड़ी दिक्कत क्या है कि इस बर्फ़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, और जैसे ये बर्फ़ टूट रही है तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड आर्कटिक से निकल के कहाँ पे आ गई है, एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी को सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, और क्योंकि वो गर्मी को एब्जॉर्ब करती है तो आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और उसके कारण गर्मी बढ़ रही है। और क्योंकि आर्कटिक जैसा जो इलाका है जो कार्बन को सोख के रखता है, कार्बन को सिंक करके रखता है, इसीलिए इस इलाके को क्या कहा जाता है, कार्बन सिंक। मैंने बताया था कार्बन सिंक क्या होता है, एनीथिंग विच सिक्वेस्टर मोर कार्बन देन इट प्रोड्यूसेस, जितना वो सोखता है वो ज़्यादा हो और प्रोड्यूस करना कम हो, पहले के कुछ लेक्चर्स में बताया था आपको। ठीक है, अल्पाइन टुंड्रा क्या होता है, ठीक है, मैंने ऊपर बोला था मैं अल्पाइन पढ़ाऊंगा, देखिए पहले समझते हैं बाद में नोट्स वगैरह दिखेंगे। ये अर्थ है, अर्थ का हमको पता है 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सूरज की रोशनी कम होती चली जाएगी, और हमको पता है सूरज की रोशनी कम होगी मतलब ऊपर का ये वाला इलाका और नीचे का ये वाला इलाका क्या होगा, बर्फ़ का इलाका होगा, ठंडा इलाका होगा। लेकिन सेम चीज़ ऐसे में भी तो हो सकती है, जब ये पहाड़ है आप पहाड़ में नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होते चला जाता है। तो पहाड़ का जो ये ऊपर वाला इलाका होता है ना, किसी भी पहाड़ में ये ऊपर वाला इलाका, अगर आपके जो पहाड़ है वो बहुत ऊंचे हैं तो ये जो ऊपर वाला इलाका है यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इस इलाके में आपको एक वेजिटेशन मिलती है, और इस वेजिटेशन को बोला जाता है अल्पाइन वेजिटेशन, इस वेजिटेशन को बोला जाता है अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, तो जो पहाड़ों के ऊपर वेजिटेशन मिलती है, मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसी ठंडी वेजिटेशन जो हाइट के कारण ठंडी हुई। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसे ऊंचे पहाड़ हैं क्या, बिल्कुल हैं, हिमालय है क्या, और किसी देश में ऐसे ऊंचे पहाड़ हैं, हाँ बिल्कुल है। तो आप अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये देखिए, दीज माउंटेन्स आर रॉकीज, रॉकीज में वो वेजिटेशन मिल रही है पहाड़ों के ऊपर, दीज माउंटेन्स आर एंडीज, एंडीज में वही वेजिटेशन मिल रही है, दीज माउंटेन्स आर हमारे फेवरेट हिमालयन माउंटेन्स, सेम वेजिटेशन देखने को मिल रही है। फिर ऊपर जाएंगे हम, दिस इज कुनलुन शान, तेन शान, ऑल बड़े बड़े माउंटेन्स, ये क्या है, नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन हाईलैंड्स जो ऊंचा क्षेत्र है। तो ये सारे जो पहाड़ के ऊपर वाली वेजिटेशन है, जो पहाड़ों के ऊपर लगती है, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो ठंडा इलाका है, उसको कहा जाता है अल्पाइन फॉरेस्ट या अल्पाइन टुंड्रा। एक हमने पढ़ा टुंड्रा जो ऊपर जाने पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड में ऊपर जाने पे ठंडा होता है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, और एक हाइट के कारण जब होता है उसको बोला जाता है अल्पाइन टुंड्रा। देखिए अब नोट्स पढ़ लेते हैं, ये बनाने हैं आपको नोट्स कॉपी में, क्या है यहाँ पे,
हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, लॉन्गर ग्रोइंग सीजन इसीलिए है क्योंकि यहाँ बारिश वगैरह सब होगी, बस ऊंचाई पे ठंडा इलाका है, बारिश वगैरह तो होगी मेरे भाई, बस ऊंचाई पे ठंडा इलाका है वो। यहाँ पे कम्युनिटी रहती है जो कहलाती है पेस्टोरल कम्युनिटी। पेस्टोरल कम्युनिटी वो होती है जो चरवाहा करती हैं, मतलब बकरी भेड़ पालती हैं, वो सारा काम करती हैं, उसको बोला जाता है पेस्टोरल कम्युनिटी। और यहाँ की जो पेस्टोरल कम्युनिटी है ये एक चीज़ फॉलो करती है जिसको कहा जाता है ट्रांसह्यूमंस। क्या होता है ट्रांसह्यूमंस, दो मिनट में समझते हैं। होता क्या है, पहाड़ों में एक सीज़न में ऊपर ज़्यादा गर्मी होती है और एक सीज़न में नीचे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, इस चीज़ को बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण क्या होता है, जो ठंडी हवा है, भारी हवा है, वो नीचे आ जाती है और जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है। गर्म हल्की हवा होती है तो ऊपर चली जाती है, ठंड भारी हवा होती है तो नीचे आ जाती है। तो जो पहाड़ के ऊपर वाला इलाका है वो गर्म हो जाता है और नीचे वाला इलाका ठंडा हो जाता है, उल्टा हो जाता है जस्ट, ठीक है। तो उसके कारण लोग क्या करते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं कि वो पहाड़ के ऊपर जाके रहने लग जाते हैं। लेकिन जब मौसम बदलता है, गर्मी आती है, तो नॉर्मल हो जाती है कंडीशन, ऊपर ठंडा होगा नीचे गर्म होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रांसह्यूमंस वो लोग होते हैं जो पहाड़ों में क्लाइमेट के हिसाब से अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, वेदर के हिसाब से जो लोग अपना चेंज करते रहते हैं पोजीशन, उसको कहा जाता है ट्रांसह्यूमंस, ठीक है। तो अगर ट्रांसह्यूमंस को मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो ट्रांसह्यूमंस आर वेदर माइग्रेंट्स, दीज आर वेदर माइग्रेंट्स। वेदर माइग्रेंट्स मतलब ऐसे लोग जो मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं ट्रांसह्यूमंस के हमारे पास, जैसे गुजर, बकरवाल, गडिस, भूटिया। ये गुजर, बकरवाल, गडिस, भूटिया ये वो एग्जांपल हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है। तो इस पे हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इंडिया में जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, इंडिया में एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है, ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क अल्पाइन टुंड्रा के अंदर आता है। पूरा का पूरा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क अल्पाइन टुंड्रा के अंदर आता है, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टिक फॉक्स हो गया, मस्क ऑक्स हो गया, स्नो गीज हो गया, पोलार बियर हो गया। अब इन जानवर की खासियत क्या है कि ये जानवरों का जो फर होगा ये बहुत ज़्यादा थिक होगा। क्यों इतना थिक होगा ये फर भाई, जैसे रेगिस्तान में सांप ने अपने अंदर जहर पैदा किया बचने के लिए, वैसे ही बर्फ़ में रहने के लिए ये जानवर क्या करेंगे, अपनी जो चमड़ी है उसको मोटा कर लेंगे ताकि गर्मी ना लगे, ठंड ना लगे। इसीलिए इन जानवरों का जो स्किन होगी वो बहुत मोटी होगी, फर जो होगा वो बहुत मोटा होगा। माउंटेन गोट हो गया, मरमट हो गया, कुछ ऐसे नाम है, आप एक दो बार रीड करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये सिर्फ उसमें आना है, प्रीलिम्स में आना है, और नाम आएगा तो हम बता सकते हैं कौन सा जानवर पोलार एरियाज में रहता है। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो कल से हम चालू करने, ये बायोम वगैरह की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बायोम वगैरह का। एक चीज़ मैं आपको, हमने बोला था कि हम जो एनिमल्स के बारे में है उसके बारे में हम एक एक दो दो एनिमल रोज लेंगे, ठीक है। तो आज मैं वो एनिमल का जो वो है PDF है या तो मटेरियल है वो नहीं बना पाया हूँ। मैंने एनिमल निकाल के रखा था, राइनोज़ पढ़ने हैं हमको, सुमात्रन राइनोज़, अफ्रीकन राइनो, इंडियन राइनो कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, तो राइनोज़ पढ़ने थे हमको, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो उसको लिख नहीं पाया हूँ अभी टैबलेट में। सो जो एनिमल है उसके लिए 5 मिनट का मैं राइनो का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो अगर आपको देखना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और हम आज का रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि एक बार जब आप भी रिवाइज़ करो तो फटाफट आपको सब कुछ याद आ जाए। सबसे पहले हमने देखे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, उससे पहले हमने देखे थे टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट का अपन ने देखा कि ऐसे पेड़ जो पत्तियां छोड़ देते हैं वो डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट डेसीडियस जो ऊपर वाले इलाकों में पाए जाते हैं वो ठंड में अपने पत्ते छोड़ते हैं, ठीक है। टेम्परेट डेसीडियस की पत्तियां रंग बदलती हैं, एग्जाम्पल मैपल ट्री। ट्रॉपिकल डेसीडियस में आए, ट्रॉपिकल डेसीडियस में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, ये पत्तियां गर्मी में जब सूखा पड़ता है तब अपने पत्ते छोड़ती हैं। डेसीडियस फॉरेस्ट वहाँ होता है जहाँ पे बारिश का मौसम सूखे मौसम से फॉलो किया जाता है, मतलब बारिश होगी फिर सूखा वाला मौसम आएगा, जैसे इंडिया में है। फिर हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल डेसीडियस होते हैं वो समर में अपने लीव्स छोड़ते हैं। ट्रॉपिकल डेसीडियस दो टाइप्स के होते हैं, ड्राई डेसीडियस और एक वेस्ट डेसीडियस। अगर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश है तो ड्राई डेसीडियस, अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है तो इट इज़ वेट डेसीडियस फॉरेस्ट। इंडिया में मेजर जो वेजिटेशन है वो कौन सी है, डेसीडियस फॉरेस्ट। फिर हम आगे गए, हमने डेसीडियस फॉरेस्ट के लोकल नाम देखे, ब्राज़ील में कटंगा बोलते हैं, चाको बोलते हैं पेरोगो अर्जेंटीना में, ब्रिग्लो स्क्रब ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, डॉनवेल्ड साउथ अफ्रीका में बोलते हैं, ये कुछ आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम देखा कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट, कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट जो होता है वो पूरे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट
में फैला हुआ है। कोन लाइक स्ट्रक्चर वाले हमको पेड़ देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें और जो रह गई हैं वो आप यहाँ नोट्स में देख सकते हो, जैसे कि जो टेम्परेचर होगा वो -20 से 20 डिग्री सेल्सियस होगा, रेनफॉल भी बहुत कम होगा और एसिडिक सॉइल होगी, स्लाइटली एसिडिक सॉइल होगी। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो जहाँ मैंने आपको एडैफिक फैक्टर्स बताए थे, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ठंडे इलाकों में एसिडिक सॉइल या कम पीएच वाली सॉइल पाई जाती है, जहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कॉटन ग्रास का और उन जो प्लांट्स को बोला था ऑक्सिलोफाइट्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, तो वही यहाँ पे याद रखना है। 50 से 60 डिग्री लेटीट्यूड में मिलता है और ये नॉर्थ लेटीट्यूड में मिलता है, ठीक है। साउथ में नहीं, क्यों नहीं मिलता है ये? ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्यों है, साउथ हेमिस्फीयर में क्यों नहीं है ये? क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में 50 से 60 डिग्री के बीच में क्या नहीं है, ज़मीन ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो पानी में तो जंगल लगेगा नहीं, तो इसीलिए साउथ हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलता है, सिर्फ कहाँ मिलता है, नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा जाइंट्स क्यूशिया, यहाँ पे एक ट्री है, रेडवुड ट्री है जो लंबरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पल्प मैच बॉक्स के लिए इस्तेमाल होता है, पेड़ों में केवल सुई होती है, नीडल होती है, फ्लावर नहीं होता, कोन होता है, ये सारी चीज़ हमने देखी। दो चार एनिमल देखे, रेंडियर देखा, करीबाओ देखा एनिमल्स में, फिर मेडिटेरेनियन स्क्रबलैंड देखा, वहाँ से हमने देखा मेडिटेरेनियन स्क्रबलैंड क्या होता है, ऐसा इलाका जो 30 से 45 डिग्री के बीच में पड़ता है, उस इलाके में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है और उस इलाके में क्या मिलता है, मेडिटेरेनियन स्क्रबलैंड मिलता है। खट्टे फल लगाए जाते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, सिट्रस फ्रूट, अंगूर की खेती करते हैं, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उन उस वेजिटेशन को बोला जाता है स्क्लेरोफाइलस, उस वेजिटेशन को बोला जाता है स्क्लेरोफाइलस, जो हमको नाम याद रखना है। पत्तियाँ फ्लैशी होती हैं, हाइट कम होती है पेड़ पौधों की। फिर हमने दो तीन नाम देखे, जैसे चेपराल बोलते हैं कैलिफोर्निया में, मेटोरल बोलते हैं चिली में, एक लिस्ट देखी। फिर ग्रासलैंड पे आए तो हमने देखा कि अंटार्कटिका छोड़ के दुनिया के हर कोने में, मतलब हर एक कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड बीच का इलाका होता है, मतलब ना ही जंगल है ना ही रेगिस्तान है, तो क्या है वो, ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड दो टाइप के देखे हमने, कौन कौन से, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिनको सवाना कहते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड जिनको स्टेपी कहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की खासियत क्या है, एकदम सूखा इलाका होता है, बारिश बहुत कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण आग लग जाती है। आग लगने से क्या होता है, जो पेड़ के बीज होते हैं वो जल जाते हैं और इसलिए इस इलाके में सिर्फ घास घास बचती है, पेड़ नहीं बचते हैं, पेड़ बहुत कम होते हैं। जितने पेड़ बचते भी हैं उनको जो एक की स्टोन स्पीशीज है एलिफेंट, वो उखाड़ के फेंक देता है, तो वो चीज़ वहाँ पे कवर हो जाती है, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमने देखा, कैंपोस बोलते हैं इसको ब्राज़ील में, लानोस बोलते हैं वेनेजुएला में, साहेल रीजन का ये जो आसपास का इलाका है, ये जो आसपास का इलाका है ये वाला, दिस होल रीजन इज सवाना ग्रासलैंड। ये पूरा इलाका किसका इलाका है, सवाना ग्रासलैंड का इलाका है, साहेल वाला जो इलाका है, तो यहाँ पे हमको सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। फिर जिराफ जैसे एनिमल्स भी हैं, वो क्यों हैं वो हम बाद में देखेंगे जब हम आगे चल के इकोटोन और एज इफेक्ट पढ़ेंगे कल। फिर यहाँ पे अम्ब्रेला जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं, पार्क लाइक वेजिटेशन देखने को मिलती है, दुनिया के सबसे बड़े जानवर यहाँ पे हैं, सबसे लंबे जानवर यहाँ पे हैं, जानवरों की तस्करी होती है, ट्रैफिकिंग होती है, स्मगलिंग होती है, इसीलिए इसको बिग गेम कंट्री बोला जाता है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, पानी कम है और आग लग जाती है, तो ये दो लिमिटिंग फैक्टर हैं। पार्क लाइक वेजिटेशन है। उसके बाद जब हम टेम्परेट ग्रासलैंड में आए तो टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। इस इलाके में टेम्परेट ग्रासलैंड की जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है खेती के लिए, यहाँ पे वीट उगाया जाता है और आपका मक्का उगाया जाता है, वीट और मक्का उगाया जाता है इस इलाके में, इसको बोला जाता है ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अनाज की टोकरी बोला जाता है इसको, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ये, कि प्रेरीज, स्टेपीज और एक इलाके में डाउन, फिर वेल्ड, पुस्ताज, बहुत अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, यूरेशिया में स्टेपीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा डेजर्ट इकोसिस्टम, या डेजर्ट में आए हम, तो डेजर्ट हमने देखा एकदम सूखे इलाके हैं जो वेस्ट साइड में पाए जाते हैं, किसके, कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में जो डेजर्ट पाए जाते हैं। अब डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और वार्म डेजर्ट। तो जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो वेस्ट में नहीं पाए जाते, ठीक है, वार्म डेजर्ट वेस्ट में पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, समुद्र से बहुत दूर, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए वो कोल्ड डेजर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठंडे इलाके होते हैं जैसे लद्दाख है, बहुत अंदर है, एकदम ऊपर कश्मीर के पास, समुद्र से कोसों दूर। और जो वार्म डेजर्ट होंगे जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट, वो समुद्र के पास है फिर भी डेजर्ट है, ठीक है, वो गर्म डेजर्ट है। अगर रेत वाला डेजर्ट है तो एर्ग बोलेंगे, पत्थर वाला है तो रेग बोलेंगे, तो बड़ी बड़ी चट्टानों वाला है तो हमारा बोलेंगे। डेजर्ट प्रोडक्टिविटी पे होता है, ना कि रेत पे, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है तो उसको डेजर्ट बोला जाएगा। डेजर्ट के वेजिटेशन की खासियत क्या है, इनका स्टेम फ्लैशी होता है, जो तना होता है उसमें गूदा होता है, जैसे एलोवेरा, वाइल्ड एनिमल और रेप्टाइल यहाँ मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट की जो वेजिटेशन है वो सेंसिटिव होती है। अंटार्कटिका दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, लेकिन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट है। फिर हम आ गए टुंड्रा वेजिटेशन में। टुंड्रा वेजिटेशन क्या है, जो हमेशा बर्फ से जमा रहता है वो टुंड्रा, 25 सेंटीमीटर से कम यहाँ पे बारिश होती है, 10% अर्थ का एरिया यहाँ पे है और 50 से 60 दिन यहाँ का ग्रोइंग सीजन है, क्योंकि ना बारिश है ना धूप है, तो ग्रोइंग सीजन बहुत कम होगा।
ठीक है, इसको जो आर्टिक क्षेत्र का टुंड्रा रीजन है, आर्टिक टुंड्रा इलाका है, इसको एपिसेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। एपिसेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज इसीलिए बोला जाता है इस इलाके को क्योंकि जो बर्फ़ है उसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है, बर्फ़ पिघल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्लाइमेट चेंज होगा। फिर यहाँ पर रहने वाले लोग एस्किमोस कहलाते हैं जो इग्लू में रहते हैं। फिर हमने देखा अल्पाइन टुंड्रा, अगर ठंडे इलाकों में नहीं गर्म इलाकों में ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का जो ऊपर का इलाका होता है जहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के कारण, हाइट बढ़ने के कारण, एल्टीट्यूड बढ़ने के कारण जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वेजिटेशन मिलती है उस तरीके की जो टुंड्रा में मिलती है उसको बोल देते हैं अल्पाइन टुंड्रा। इंडिया में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो अल्पाइन टुंड्रा में अंदर आता है और हाई एल्टीट्यूड में ग्रोइंग सीजन ज़्यादा होगा, 180 दिन के करीब होगा। गुर्जर, बकरवाल, गडिस, भूतिया यहाँ की कुछ ट्राइब्स हैं जो ट्रांसह्यूमन करती हैं। ट्रांसह्यूमन क्या होता है? मौसम बदलने के साथ अपनी जगह बदल लेना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसह्यूमन। ठीक है, कुछ हमने जानवर देखे, अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैनेजमेंट ने पीडीएफ में क्वेश्चन बनाए होंगे तो ज़रूर होगा, हाँ बनाए, ये तो कल देखा था हमने। ये क्वेश्चन देखिए, कर लेंगे आप ये क्वेश्चन, मुझे पता है। देखिए क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड। कल एक ऐसा डायग्राम देखा था इस तरीके का जिसमें इस इलाके में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, तो लोअर लेटीट्यूड में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एज़ कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड। हाँ ये करेक्ट है। अलॉन्ग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड एज़ कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड। अगेन अल्पाइन की बात कर रहा है, ये देखो पहाड़ है, कह रहा है नीचे जो होगी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ऊपर कम होगी। अगर आप वही लॉजिक लगाओ, गर्म इलाका ज़्यादा पानी तो ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, ऊपर ठंडा इलाका कम पानी तो कम डाइवर्सिटी होगी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं इस इलाके में। फिर कोरल रीफ्स अभी पढ़ा नहीं है, पाकुई वाइल्ड लाइफ अभी नाम नहीं पढ़े हैं। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन, कौन सा है भाई? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इधर पर देखो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का जो टॉपिक होगा वो है हमारा रामसर साइट्स। ठीक है, कल का जो टॉपिक होगा वो रामसर साइट्स होगा। रामसर डिक्लेरेशन क्या है, रामसर साइट्स क्या हैं, इकोलॉजिकल इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, कैसे यहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, मैनग्रूव्स क्या है और मैनग्रूव्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फीचर्स हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट के, ये सभी चीज़ हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, कमेंट सेक्शन में रिव्यू कीजिए, बताइए थोड़ा कि लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए।